धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र में इन दिनों गरीबों को मिलने वाले चावल की कालाबाजारी जोरों पर है। एक सप्ताह के अंदर झरिया के चार अलग अलग थानों में पीडीएस के चावल लदे चार वाहनों को पकड़ा गया है, लेकिन अब भी इसकी कालाबाजारी करने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस तलाश ही रही है। देखिए ये रिपोर्ट। पीडीएस चावल की कालाबाजारी जोरों पर, एक सप्ताह में चावल लदे चार वाहन पकड़ाए, अलग अलग थानों से पकड़ाए वाहन। सिंडिकेट चावल तस्करी का अपना रहे नया हथकंडा, फर्जी नंबर वाले वाहन से करते हैं चावल की कालाबाजारी। दोपहिया वाहन से चावल आता है गोदाम तक, गोदाम से चावल पहुंचाया जाता है बंगाल। ये चावल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए है जिसे जब्त किया गया है। चावल आया तो था गरीबों के लिए, लेकिन इसे बाजार में कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा था जिसे जब्त किया गया है। 25/8/21 को एडीएम सप्लाई के द्वारा बताया गया कि झरिया थाना द्वारा बस्ता खोला में 20 बूढ़ा एक टेम्पो में पकड़ाया है, जिसे जांच कर उस पर प्राथमिकी दर्ज करने की गई है। ड्राइवर जांच पुलिस पदाधिकारी से बताया गया कि ड्राइवर चलती गाड़ी में कूद कर भाग गया, ड्राइवर नहीं है। गाड़ी को थाना झरिया थाना लाया गया, झरिया में हमने जांच किया, उसमें 20 पैकेट सफ़ेद प्लास्टिक के बोड़े में हाथ सिलाई किया हुआ है, उस पर हम लोग प्राथमिकी कर रहे हैं। प्राथमिकी दर्ज कर चावल है, पीडीएस का है कि क्या, लेकिन चावल है। कालाबाजारी के लिए एक सिंडिकेट चल रहा है जो आजकल नया हथकंडा अपना रहा है। बिना नंबर वाले वाहन का उपयोग कालाबाजारी के लिए किया जाता है। पहले गोदाम तक चावल पहुंचाया जाता है जो साइकिल या स्कूटी से लाया जाता है। चौड़ा सिंडिकेट है, माल पकड़ने के बाद सारा पता चल जाएगा। मान लिया जाए हम अगर किन्हीं का नाम पर्सनली बोल देते हैं तो हमारे कहने से वो चोर नहीं हो जाएगा। पदाधिकारी उसकी जांच करे और उस पर FIR करे, खुद पर सामना सामने क्लियर हो जाएगा। लग रहा है कि कोई बड़ा सिंडिकेट इसमें शामिल है। हाँ, नेता अभिनेता सब शामिल है इसमें। आज के डेट में कोयला लोहा लकड़ छोड़ के सब पीडीएस चावल चोरी करने में लगा हुआ है। छोटा छोटा बच्चा जो है 10 साल 12 साल का बच्चा है, उन लोग से चावल की चोरी करवाई जा रही है। सूत्र बताते हैं कि यहाँ से चावल सीधे बंगाल जाता है जहाँ इसे 20 रुपए प्रति किलो बेचा जाता है। आज इस मामले पर उचित जांच की जरूरत है ताकि गरीबों को उनका हिस्सा मिल सके। झरिया से न्यूज 11 भारत के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट।